back to Ananya's Beauty and Lifestyle Vlogs and आज का है एक नया yet it's going to be a short vlog क्योंकि I just thought of vlogging these moments of Ritwij's first रक्षाबंधन yes ये vlog होने वाला है एक रक्षाबंधन special vlog but it's not about me क्योंकि मैं तो सालों से सेलिब्रेट करती आई हूँ बट ऋत्विज का ये फर्स्ट रक्षाबंधन है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ जो मुझे इसके साथ बाद में शेयर करना है जब ये बड़ा हो जाएगा ऋत्विज हैज़ एन एल्डर सिस्टर इसकी बड़ी बहन है एंड शी इज़ गोइंग टू टाई हिम राखी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मुझे बहुत मज़ा आने वाला है उस दिन बिकॉज यू नो ये बहुत छोटा है अभी एंड इसके हाथ में राखी बंधेगी ये उसको गिफ्ट देगा बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट्स है ये लाइफ के एंड क्योंकि इसका फर्स्ट है तो यू नो वो उसके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए सो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग इट एज अ व्लॉग सो इट्स गोइंग टू बी ओनली अबाउट रक्षाबंधन बाकी कुछ ज़्यादातर नहीं होगा इसमें तो इस व्लॉग में मैं ऑब्वियसली शेयर करूँगी मैं इसकी सिस्टर के लिए क्या परचेस कर रही हूँ बिकॉज इसकी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा छोटी है वो आई थिंक 2.5 years की है नाउ एंड उसके हिसाब से आई एम गोइंग टू शॉप और आज हम निकले हैं उसी चीज़ की शॉपिंग करने के लिए बिकॉज इट्स 4 days या 3 days मोर अब रक्षाबंधन के लिए संडे को है शायद और आज है फ्राइडे सो दो ही दिन है सो इसलिए हम आज निकले हैं ऋत्विज इज सिटिंग बिसाइड मी पीछे हैं अदिति एंड माय गुड नेबर मानसी मैं इसको लेके शॉपिंग करते करते फिर ब्लॉग करूँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है बट स्टिल आई एम गोइंग टू ट्राई नहीं तो फिर वॉइस ओवर होगा सारी चीज़ों में सो मैंने जस्ट सोचा मैं रुक के आपसे बात करूँगी मैं गाड़ी चला रही थी आई एम इन कार मैं बहुत स्टडीली गाड़ी चला रही थी ताकि मैं गाड़ी चलाते चलाते ब्लॉग करूँ बट नहीं पॉसिबल हो पाया बिकॉज मेरा कैमरा थोड़ा सा नीचे झुक रहा है सो या दैट वॉज इट स्टार्टिंग ऑफ दिस व्लॉग आई होप आप ये रक्षाबंधन व्लॉग स्पेशल इन्जॉय करोगे वॉन्ट टू सी द एंटायर सेलिब्रेशन देन यू कैन स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग डे बिफोर यस्टरडे उस दिन क्या हुआ था मुझे जहाँ से मैं शूट करके आपने लास्ट वीक देखा था वहाँ पे मुझे मना कर दिया था उन्होंने शूट करने के लिए आई डोंट नो रिटेल शॉप्स के और इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्होंने मुझे कहा कि शूट करना अलाउड नहीं है तो प्लीज़ आप कैमरा बंद कर दो तो इसलिए मैंने उसके बाद शूट नहीं किया एंड या अभी चेंज ऑफ बैकग्राउंड है पीछे क्योंकि मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऋत्विज की है फर्स्ट रक्षाबंधन
एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 11, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज पहनी है साड़ी और मैंने ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स पहने हैं। मैंने मंगलसूत्र एकदम सिंपल रखा है बिकॉज अगर ईयर रिंग्स थोड़े हेवी होते हैं तो मंगलसूत्र सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने ये वाला मंगलसूत्र पहना है एंड आई एम प्योरली लविंग दिस। ये मेरा सबसे फेवरेट मंगलसूत्र है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेंट। और मेकअप मैंने बहुत सिंपल किया है, मैंने फेस पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाया बिकॉज मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो मैंने फाउंडेशन लगाया, हाइलाइटर लगाया, थोड़ा सा लिपस्टिक, काजल, मस्कारा और लाइनर हल्का सा एंड दैट इज़ इट। मैंने आज इनफैक्ट आईब्रोज भी नहीं बनाई है बिकॉज मेरी आईब्रोज ऑलरेडी अच्छी दिख रही है, सो आई जस्ट थॉट मैं उनको ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं बनाऊंगी। और थोड़ी सी पाउडर डस्ट की है मैंने फेस पे, मेरा फेस बहुत अच्छा दिख रहा है, आई एम रियली लविंग माई फेस टुडे, बहुत फ्रेश दिख रहा है एंड इवन माई आईज आर लुकिंग नाइस। सो मुझे अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना है बिकॉज ये व्लॉग कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू ऋत्विज एंड हिज रक्षाबंधन। सो अभी देखते हैं ऋत्विज क्या कर रहा है। मॉर्निंग में उठ गया था अराउंड 8 बजे, फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा दूध पिलाया एंड देन ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स, फिर उसके बाद वो उठ गया, फिर मैंने उसको नहलाया एंड नाउ ही हैड अ पावर नैप ऑफ अराउंड 1/2 आवर और वो अब उठ चुका है। मैंने उसका अब तक नए कपड़े नहीं पहनाए बिकॉज उसकी सिस्टर अभी है नहीं घर पे, सो तब तक मैं ऋत्विज को घर के कपड़ों में ही रख रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं उसको नए कपड़े पहना दूँगी। एंड या ही हैज गॉट अप नाउ सो आई रियली नीड टू शो यू दैट। जानो कौन अच्छे चलो आज रक्षाबंधन है, कौन राखी बांधना तुला दीदी, दीदी राखी बांधना, अरे वाह। आणि तू दीदीला काय गिफ्ट देणार, दीदीला आपण गिफ्ट आणलंय ना, देणार ना तू दीदीला गिफ्ट, कोण देणार, ऋत्विज देणार माझ्या, गुड बॉय ना तू, अच्छा चलो। ओके गाइस, तो ये था ऋत्विज मॉर्निंग में और मैं बताना भूल गई आपको, मैंने जो आपने आई थिंक लास्ट वीडियो क्लिप में देखा था कि मैं सॉफ्ट टॉयज देख रही थी, तो यस ऑब्वियसली उसी सॉफ्ट टॉयज़ में से मैंने वो जो बड़ा वाला टेडी था वो मैंने परचेस कर लिया बिकॉज अखिल और मेरा बहुत बहुत महीनों पहले ये बात हो चुका था। एक बार हमने विज़िट किया था वहाँ पे तो हमने वो टेडी देखा था, वो टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट टेडी था तो हमने वो देखा था क्योंकि दैट वॉज़ अ ह्यूज साइज टेडी, तो अखिल बोला था कि हम ईशानवी के लिए ये वाला टेडी ज़रूर लेंगे बिकॉज इट्स गोइंग टू बी हर्स एंड ऋत्विज फर्स्ट रक्षाबंधन। और उसको सॉफ्ट टॉयज पसंद है, उसको ज़्यादातर डॉल्स पसंद है, बट मुझे वहाँ पे अच्छी डॉल मिल नहीं पाई और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में ढूँढूँ। सो अभी मैं क्या बोलती थी, अभी आ गया था। सो या मैंने ह्यूज टेडी बियर परचेस किया ना, आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड उसको पसंद आएगा बिकॉज उसको फ्लफी चीज़ें बहुत पसंद आती है, सो आई डोंट नो इफ ऋत्विज उसको दे पाएगा या नहीं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है, हमें उसको देंगे ऑब्वियसली। तो या है ना गिफ्ट देना दीदीला। ओके सो हम डायरेक्टली मिलते हैं अब उस टोटल फंक्शन के टाइम, तब तक के लिए सी यू बाय, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, अब थोड़ी सी रूम क्लीन करनी है और इसको भी तैयार करना है। Oh, 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 oh
की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। सीरियस गाइस, दैट वाज इट फॉर द रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग। ऋत्विज का फर्स्ट रक्षाबंधन हो चुका है। आई होप आपने ये ब्लॉग पसंद किया होगा, और अगर पसंद किया है तो हिट करिए बड़ा सा लाइक। एंड अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री, आपको बस रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करना है जो नीचे है। ऑल्सो उसके साइड वाला नोटिफिकेशन बेल आप प्रेस कर सकते हो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो पब्लिश करूँगी आपको तुरंत नोटिफाई हो जाएगा एंड आप उसे चेकआउट कर पाओगे। सो या दैट इज इट फॉर दिस वन। सी यू इन माय नेक्स्ट टैलेंटेड गेस्ट। बाय। How I talk like this, when I hit a bitties out of fucking park like this, I'ma spark right this in the dark like this. And I know everything you think you're doing, you're not really doing. No, I done it, yeah, I done it. If you wanna, maybe we can run it, we can run it. If you wanna, we can run it, let's run it. Run it, run it.